हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है और एक्सेल में नया क्या है आइए दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा ध्यान से। ये मैंने अपना नाम लिखा और नाम लिखते लिखते आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो सेल से बाहर चला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, या तो इसको रिसाइज करते हैं और नहीं तो रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो रैप टेक्स्ट कैसे यूज होगा, तो रैप टेक्स्ट यहाँ से यूज हो जाता है। तो यूज करेंगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये रैप टेक्स्ट को अगर शॉर्टकट मेथड से यूज करना हो तो आप कैसे यूज कर सकते हैं, आज का सवाल यही है। तो देखिए मैं इस एरिया को जरा एक डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर देता हूं और फिर रैप टेक्स्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या आपको प्रेस करना होगा, क्या शॉर्टकट की है इसकी, इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। तो आपको प्रेस करना है सबसे पहले अल्ट, एक बार अल्ट दबाइए, फिर छोड़ दीजिए, फिर एच दबाइए और फिर डब्ल्यू दबाइए और देखिए ये आपका ऑटोमेटिकली रैप हो जाएगा, यानी कि एक के नीचे मतलब उसी सेल में ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और चौड़ाई नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ऊंचाई बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी कि रैप टेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या होती है और ये कैसे कराते हैं। तो अल्ट एच डब्ल्यू याद रखिएगा हमेशा रैप टेक्स्ट कराने की शॉर्टकट की होती है, ठीक है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आया तो शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।